हम पता है, मैं भी बैठा है। इनके ड्रेस देख के लग रहा है कि भाई कोई पूरे मूड में। आज होली है ना, आज है पक्के वाले गुलाल का खेल। एकदम से गोलियां ही चल गई इस टायर में, देखो आप ये हालत हो गई इस टायर की। हमारे लिए बहुत मदद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया नेपाल एक ही भाई है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। तो भैया ये आपका धमपुस में हमारा दूसरा दिन है और आज हम धमपुस से निकलकर जा रहे हैं एक नई लोकेशन के लिए। तो अब क्या करना है, आज यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि 11 बजे के अराउंड बस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना बस की टाइमिंग होती है कि 11 बजे के बाद आपको बस नहीं मिलने वाला है शाम को 3-4 बजे तक। तो हमने अपना सारा सामान पैक करके निकाल लिया और तो अब इस धमपुस गांव को छोड़ने का टाइम आ गया। और इस घर को ना हम हमेशा मिस करेंगे हिंदुस्तान जाने के बाद। अगली बार जब कभी नेपाल आऊँगा ना तो मैं इस जगह पे तो ज़रूर आऊँगा, क्योंकि यार यहाँ का जो मज़ा मुझे यहाँ पे आया ना पिछले 2 दिन के अंदर, सच में अल्टीमेट। ना पाना थियो है ना, 11 बजिसक्यो, नम्बर छैन गरे त्यहाँ कसो त्यहाँ चुवाकमा 5 मिनटसम्म कुर्नी रे भनेर भनिदिनु। तो ये पीछे जो भाई साहब हैं बात कर रहे हैं नेपाली में, यहाँ के लोकल जो बस वाले हैं उनसे बात कर रहे हैं कि बस कितने बजे तक आएगा, क्योंकि ना 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। और तो हमारा यहाँ पे आपका 2 दिन का खाना पीना रहना आना बहुत सस्ते में हो गया। और सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया ना वो आया इस फैमिली के साथ, हमको बहुत सारी गप सप मारने का मौका मिला। और मैंने इनको इन्वाइट भी किया कि अगर आप कभी इंडिया आते हो ना तो ऐसी सेवा का मौका हमको भी देना। अगर आप धमपुस गाँव में आए तो जो जरूर हमारा जो होटल में है ना, हाँ बैठ लो। नेपाली में बोलो एक बार, तपाईँहरू धम्पुस आउँदा नेपालमा आउँदाखेरि धम्पुस जरुर आउनुहोस्। धम्पुस आउँदाखेरि मेरो होटेलमा बस्नुहोस्। यो होटल है इनका और यसमा खानाको लागि बस्नको लागि यहाँको रहन सहन सबै राम्रो छ। सब ठिक है। अगर आप नेपाली फ्यामिली के साथ एक दिन गुजारना चाहते हो ना तो आप धम्पुस गाउँमा भैया के रेस्टुरेन्टमा जरुर आना। तो चलते हैं भैया, अभी हमको आ गया तो निकालो हमें यहाँ से धक्के मार के बाहर, क्योंकि हमको जाना है आपका जानकीपुर। एक नंबर है, साव ने आपको दिखाई दे रहा होगा, 9846116961। तो मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया, अगर आप आते हो धमपुस गाँव ना तो पहले ही एक दिन पहले ही बोल दो भाई साहब हम अपन आने वाले हैं, ये आपको लेने के लिए नीचे रोड में आ जाएंगे और गाँव में घुमाते घुमाते लाएंगे। इसके साथ साथ आपको नेपाली गाँव घूमने का मौका भी मिल जाएगा। चलो अब धमपुस को करते हैं बाय और बाय और निकलते हैं फिर किसी नई लोकेशन के लिए। वो जो बस वाले भाई थे ना उनका नंबर तो लग नहीं पाया, बट किसी और से उनका नंबर मांग रहे थे तो नॉट रीचेबल आ रहा था। तो बस निकल के जा रही है और मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ फटाफट, क्या पता बस मुझे आगे मिल जाए। बट मुझे मुश्किल लग रहा है अब इसके बाद अपने को कहीं पैदल यात्रा ना करनी पड़ जाए, क्योंकि यार ऐसे रिमोट एरियाज के लिए ना बसों की बड़ी दिक्कत रहती है। तो भैया 2 मिनट का फ़र्क क्या होता है ये हमसे पूछो रमेश बाबू। 2 मिनट के पीछे ना हमारी बस छूट गई है और अब मैं बस ये नेपाल के गाँव से जा रहा हूँ, शायद बस नीचे पकड़ लूँ किसी पहाड़ से शॉर्टकट जाके, इसलिए गांव के अंदर अंदर से जा रहा हूँ। मैं इधर रोड पर आ गया और बस ना निकल चुकी है, अब कोई और ऑप्शन नहीं है अपने पास यार, एक बस मिस हो गया है। और भाई लोगों से बात की है लोकल हमके शायद, तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जीप भी आता है आधा आधा घंटा या 15-20 मिनट के इंतज़ार में, तो इंतज़ार करते हैं अगर बस आएगा तो ठीक है वरना जीप मिल जाएगा। क्या हाल चाल है तुम्हारे? बढ़िया बढ़िया, लव यू फ्रॉम इंडिया। आप सब लोग यहीं से हो नेपाल से? तो भैया अपने को आपका यहाँ से बस छूटने के बाद मात्र 10 मिनट हुआ होगा हमको, यहाँ से हमको एक छोटा सा जिप्सी मिल गया है। तो चलो ज़्यादा देर नहीं हुई, हमें 5 से 10 मिनट इंतजार करना पड़ा और हमें गाड़ी मिल गया। तो ये शायद हमको हीरा चौक छोड़ेगा या हरी चौक छोड़ेंगे, फिर वहाँ से हमें जनकपुर के लिए पोखरा जाना पड़ेगा। तो भैया लो आपके काला कांडी बाबा के साथ कांडों की शुरुआत हो गई है और ये पहला कांड है आपका नेपाल से। जिस गाड़ी में अपन लोग आ रहे थे उसका टायर ही पूरा फट गया, एकदम से गोलियां ही चल गई इस टायर में, देखो आप ये हालत हो गई इस टायर की, पूरा छेद हो चुका है। जैक पैक लगाते हैं, टायर चेंज करते हैं। तो भैया एक टाइम था जब तुम्हारे रोहित पहाड़ी भी अपने टाटा टियागो से घुमा करते थे और बहुत पंचर बनाए हमने। तो भैया ये अपना टायर है। अरे बहुत पंचर बनाए हैं हमारे इंडिया में, इंडिया में हमारा काम पंचर का ही तो है, वो तो हम यहाँ विदेशी हैं घूमने आए हैं, हमारा काम पंचर वाला ही है। तो यार जब आप ट्रैवल करते हो ना, अगर आपकी गाड़ी हो तो आपको सब आना चाहिए, अगर आपकी गाड़ी ना भी हो ना तब भी आपको बहुत सारी चीज़ आनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि आपको हेल्प करना आना चाहिए लोगों का।
नेपाल की यात्रा से ऐसी कुछ यादें लेके जा रहे हैं। अच्छा है। हाथ पूरे काले हो गए, बट यह की गाड़ी सिर्फ 5 मिनट के अंदर, 5 से 6 मिनट भी नहीं हुआ होगा, हमने टायर खोल के नया टायर लगा दिया। अंकल जी के ऊपर छोड़ देते ना, तो अंकल जी थोड़े ढीले हैं, इससे कैसे टायर लाते निकालते करते अपन ने फटाफट रमपाट करके गाड़ी ओके कर दी। तो नेपाल वालों थैंक यू बोलने का कमेंट सेक्शन में, अपन ने नेपाली गाड़ी का पंचर जोड़ा है तुम्हारा, और ये गाड़ी का नंबर है देखो ये। हाँ बहुत अच्छा, अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत मदद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे भाई लोग, हम लोग एक ही भाई है। बिल्कुल भाई भाई। हाँ भाई भाई है, हम लोग दूसरा नहीं है, इंडिया नेपाल एक ही भाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बहुत धन्यवाद हमारे भाई को। बिल्कुल। तो भाई आपको, हमको जीप ने यहाँ पे दोबारा से हरी चौक छोड़ दिया है, ये हरी चौक का बाजार है। यहाँ से आप पता करना है कि हमको ना आपका जनकपुर जाने के लिए क्या मिलेगा। यहाँ से हरी चौक पे खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमको थोड़ा सस्ता वाला बस मिल जाए तो हम डायरेक्ट पोखरा पहुँच जाएँ। तो चलो भाई, अपने को ये एक छोटा सा एक हाइस या टैक्सी, आप इसे क्या बोलते हैं, ये मिल गया है, इससे पोखरा सिटी पहुँचते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी कल ही है। तराई मतलब आपका किधर? प्लेन प्लेन। तराई किधर को? जनकपुर साइड। अच्छा, हम लोग जनकपुर का ही प्लान कर रहे थे। तो यार अभी मैं धामपुर जनकपुर। अच्छा, बुटबल बुटबल हमारे इंडिया में तो कल ही होता है, बहुत खतरनाक वाला होली होता है, सर में अंडे भी फोड़ देते हैं, टमाटर भी फोड़ देते हैं, वो पता है। मैं भी बैठा है। आप इंडिया बैठा है कभी? अच्छा, कहीं किधर? गुजरात बैठा है। गुजरात बैठा। देहरादून का होली तो बहुत खतरनाक होता है। तो भैया हम आपका धामपुर गाँव से हरी चौक पहुँच गए, और पीछे तो ना अभी हम लोग जहाँ धामपुर गांव में थे वहाँ तो ऐसा कुछ होली को लेकर क्रेज दिखाई नहीं दिया, छोटे छोटे बच्चे थे पिचकारी से लगे हुए थे, बाकी हमने जो बड़े थे वहाँ पे जो हमारी एज के थे हम उनसे पूछ रहे आप होली सेलिब्रेट करते हो, तो उन्होंने कुछ खास रिप्लाई किया नहीं, उन्होंने कहा नहीं हम कुछ ऐसा कुछ खास करते नहीं है। तो अभी हम हरी चौक से आपका लेक साइड जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो बस में कुछ इस तरीके से आप लोग बैठ चुके हैं, और इनके ड्रेस देख के लग रहा है कि भैया ये होली खेलने के बिल्कुल पूरे मूड में हैं। जाते हो सर, मतलब वैसे नहीं होली नहीं मनाते अपने घरों में? घर में भी मनाते हैं। लग तो नहीं रहा आपको देख के आपने होली बनाया होगा। आज होली है ना? आज है ना होली? हम उधर जाएंगे, अच्छी तरह से उधर ही मनाएंगे। अच्छी तरह से कैसे मनाते हो आप लोग होली? हमारी जैसे मनाते जैसे हम लोग मनाते हैं? हम लोग तो ढोलक वोलक लेके गाने गाते हैं रोडों पर, होली आई रे कन्हाई। हम तो पक्के वाले रंग लेके आए यहाँ पे होली खेलने के लिए, लेकिन लगता नहीं यहाँ पे मिलेगा हमसे होली पक्के वाले रंग से। यहाँ पे यही रंग होता है, हमारे वहाँ क्योंकि जो भी लोग है ना पोखरा में, हम रात में निकलेंगे। जरा गाड़ी ने छोड़ दिया है पोखरा के बाजार में। होली फ्रॉम इंडिया। ये होली का टी शर्ट कितने का दिया आपने? ये वाला सस्ता वाला बताना, सस्ता वाला 150 होलसेल, 135 का दोगे होलसेल में? कितने का देंगे? 135 का दो दे देंगे ना? क्या क्या बोल रहे हो? दो टी शर्ट चाहिए आप हमें, कितने में दोगे? 150 में? दो नहीं, नहीं, दे दो। ये बच्चों का तो नहीं ना? ठुल्लू को। ये ठुल्लू को है? बच्चे का है। डबल एक्सल है, वो ऐसा होता है, ये खींचा, ये पहन के आएगा, पहन के आएगा। ये डबल एक्सल लग रहा है कहीं से यार, ये तो स्मॉल। अरे बाबा तेरे को होली में पहनना है बस, उसका तो फेंकना करके करके मतलब नहीं मिलेगा क्यों?